हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मैं हूं मनोज। आज दोस्तों मैं आपके लिए लेके आया हूं मिक्स वेज की रेसिपी। तो ये है दोस्तों वो मिक्स वेज जिसकी रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। दोस्तों वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक देखिए, तभी आपको समझ आएगा कि आपने कैसा मिक्स वेज बनाना है। तो चलिए दोस्तों मिक्स वेज बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने सारी इंग्रेडिएंट की तैयारी कर रखी है। ये देखिए मैंने यहाँ पे सबसे पहले मिक्स वेज के लिए बीन्स काटी है। ये देखिए आपने बीन्स इस तरीके से काटनी है, साथ में गाजर। तो गाजर भी आप देख सकते हैं इसी तरीके से आपने गाजर को काटना, जैसे मैंने गाजर को काटा हुआ है। फूल गोभी, जैसे आप काटते हैं गोभी वैसे ही गोभी काटें, ज़्यादा बड़े पीस नहीं होने चाहिए मिक्स वेज में। तो ये देखिए मिक्स वेज के लिए गोभी भी मैंने काट के रखी हुई है, साथ में हरे मटर, 10 से 12 काजू। ये देखिए काजू को मैंने यहाँ पे भिगो के रखा हुआ है ताकि काजू जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। साथ में 3 बड़े प्याज को मैंने यहाँ पे बिल्कुल फाइन चॉप किया हुआ, 3 बड़े टमाटर को, अदरक लहसुन का पेस्ट है, बारीक कटा हुआ अदरक, बारीक कटा हुआ लहसुन, पनीर, पनीर के मैंने यहाँ पे क्यूब कटिंग कर रखी है। ये देखिए आपने इतने बड़े बड़े पीसेस करने, साथ में फ्रोजन मशरूम है। तो ये देखिए ये सब तैयारियाँ हो चुकी है। एक टमाटर के मैंने 4 हिस्से कर रखे, इसे हमें ग्राइंड करना है, इसका पेस्ट बनाना है। तो सबसे पहले मिक्स वेज को बॉईल करेंगे। मिक्स वेज बॉईल करने के लिए मैंने यहाँ पे पानी गर्म कर दिया है, इसमें नमक ऐड करेंगे आधी चम्मच। तो यहाँ पे नमक को ऐड कर दिया है, गाजर ऐड करेंगे। गाजर जो मैंने ली है थोड़ी हार्ड है, इसे पहले मैंने ऐड कर दिया है। इसके साथ में ऐड करेंगे बीन्स। तो ये देखिए बीन्स भी ऐड कर दी है। अक्सर होता गया दोस्तों कि सबसे पहले हमें बीन्स डालनी होती है, उसके बाद गाजर। जो मैंने गाजर ली थी वो थोड़ा हार्ड है, इसलिए मैंने गाजर को पहले डाला है और बीन्स को बाद में डाला है। इसके साथ में हमें ऐड करना है फूलगोभी। तो फूलगोभी मैंने ऐड कर ली है। फूलगोभी और गाजर और बीन्स को हमें 90% बॉयल करना है। तो ये देखिए गाजर बिल्कुल पक चुकी है, बीन्स को भी चेक कर लेंगे एक बार बीन्स को देख लेते हैं पकी है कि नहीं। तो बीन्स भी बिल्कुल पक चुकी है। इसके बाद हम इन तीनों चीज़ों को छांट लेंगे। मिक्स वेज की सब्ज़ी मैंने छांट ली है, अभी गर्म है, इसका कुकिंग प्रोसेस चालू है, तो इसे थोड़ा सा ठंडा करेंगे। ठंडा करने से इसका जो कलर है वो बिल्कुल अच्छा रहता है, बिल्कुल ग्रीन रहता है। तो कलर आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया है। मिक्स वेज को मैंने एक प्लेट में डाल दिया है, मटर मशरूम और पनीर को इसमें ऐड कर लेंगे। इसके बाद तड़का लगाएंगे मिक्स वेज का। तो सबसे पहले आपने एक फ्राई पैन ले लेना, इसमें हम ऐड करेंगे 4 बड़े चम्मच और रिफाइंड ऑयल का। तो ये देखिए रिफाइंड ऑयल मैंने ऐड कर दिया, इसे गरम करेंगे और इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून साबुत जीरा ऐड कर लेंगे। जीरा को हल्का सा तड़कने देंगे, उसके बाद इसमें ऐड करना बारीक कटा हुआ लहसुन। लहसुन को हल्का सा ब्राउन होने देंगे। तो ये देखिए लहसुन हल्का सा ब्राउन हो चुका है। इसके बाद इसमें हमें ऐड करना अदरक, तो अदरक को भी हल्का सा ब्राउन करेंगे। और उसके बाद इसमें ऐड करना है बारीक कटा हुआ प्याज। तो चलिए दोस्तों प्याज को भी हल्का सा ब्राउन कर लेंगे हम। तो ये देखिए प्याज मैंने ऐड कर दिया है, प्याज को भी हल्का गोल्डन ब्राउन कलर करेंगे। उसके बाद इसमें हमें टमाटर ऐड करना है। तो ये देखिए हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर प्याज का आने लग गया है। और इसके साथ में हमें ऐड करना है बारीक कटा हुआ टमाटर। तो टमाटर ऐड कर दिए। टमाटर को जल्दी पकाने के लिए हमें इसमें ऐड करना है आधा चम्मच नमक। नमक से टमाटर बिल्कुल अच्छी तरीके से गल जाते हैं, तो नमक इसमें ऐड कर लेंगे। तो देखिए नमक ऐड कर लिया है, इसे कंटिन्यू चलाते रहेंगे, टमाटर बिल्कुल गल जाएंगे। तो ये देखिए टमाटर बिल्कुल गलने लग गए हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर लेंगे। खाने में दोस्तों अदरक लहसुन का पेस्ट बहुत ज़रूरी है, तो आपने अदरक और लहसुन का पेस्ट ज़रूर डालना है जब भी आप मिक्स वेज बनाएं। इसके बाद ऐड करेंगे देगी मिर्च पाउडर आधी चम्मच, हल्दी पाउडर आधी चम्मच। तो देगी मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर इसलिए पहले ऐड किया जाता है ताकि इससे खाने में बहुत ही अच्छा कलर आ जाता है। तो देखिए कलर बहुत ही बढ़िया आया। इसके बाद ऐड करेंगे काजू का पेस्ट, जो मैंने आपको काजू दिखाए थे उसका मैंने पेस्ट बनाया और ऐड कर दिया है। साथ में ऐड करेंगे टमाटर का पेस्ट।
अब दोस्तों हमें इसे कंटिन्यू चलाते रहना, काजू का जो पेस्ट है वो जल्दी से कढ़ाई में चिपक जाता है, तो आपने इसे कंटिन्यू चलाते रहना है। तो ये देखिए कलर बहुत ही बेहतरीन आया है मिक्स वेज की ग्रेवी का। इसके बाद दोस्तों हमें इसमें मसाले और ऐड करना है। देगी मिर्च पाउडर आधी चम्मच ऐड करेंगे, धनिया पाउडर आधी चम्मच, जीरा पाउडर आधी चम्मच, नमक ऐड करेंगे स्वाद अनुसार जितना भी आपको नमक पसंद हो। इसके बाद ऐड करेंगे थोड़ी सी रोस्टेड कस्तूरी मेथी और मसालों को भी मिक्स करेंगे ग्रेवी के साथ अच्छे तरीके से। बारीक कटी हुई हरी मिर्च ऐड करेंगे। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं हरी मिर्ची को। तो दोस्तों देखिए ग्रेवी बहुत ही लाजवाब बनी है, ग्रेवी थोड़ा सा थिक है, थोड़ा सा पानी ऐड कर लेंगे, इससे मसाले जो है अच्छे तरीके से पक जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे आधी कटोरी पानी ऐड कर लिया है। इसके बाद ग्रेवी को दोस्तों हमें तब तक पकाना है जब तक ग्रेवी ऑयल रिलीज़ ना कर ले। तो ये देखिए ग्रेवी ने जो है हल्का सा ऑयल रिलीज़ करना शुरू कर दिया है। इसके बाद इसमें मिक्स वेज ऐड कर लेंगे। मिक्स वेज का आप कलर देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया है। आपने इसी तरीके से बॉयल करनी है मिक्स वेज और इसे मिक्स करेंगे ग्रेवी के साथ। तो ये देखिए ग्रेवी के साथ मिक्स वेज अच्छी तरीके से मैंने मिक्स कर दिया है। इसके बाद इसमें ऐड करेंगे 2 चम्मच फ्रेश क्रीम, थोड़ा सा ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया, जूलियन अदरक इसमें ऐड कर लेंगे थोड़ा सा, आप चाहो तो बारीक कटा हुआ अदरक भी ऐड कर सकते हैं। क्रीम को मिक्स वेज के साथ अच्छी तरीके से थोड़ा सा मैं टॉस करना। इसके बाद इसमें ऐड करेंगे बटर, मिक्स वेज को थोड़ा सा टॉस करेंगे। तो देखिए दोस्तों मिक्स वेज बन के बिल्कुल तैयार हो गया। इसके बाद मिक्स वेज को प्लेट में डालेंगे। ये देखिए बहुत ही बढ़िया मिक्स वेज बना है, आप ज़रूर ट्राई कीजिए, आपसे भी बहुत बढ़िया बनेगा। तो दोस्तों आपने देखा मैंने किस तरीके से मिक्स वेज बनाया है। अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों एक नई रेसिपी के साथ, तब तक जुड़े रहिए मेरे YouTube चैनल कुकिंग विद मनोज में।